नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम पायल, नीरो होम्यो क्लिनिक सीकर से। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है और होम्योपैथिक में पाइल्स का क्या ट्रीटमेंट है बिना किसी ऑपरेशन से, तो पाइल्स के बारे में जानते हैं अभी फिलहाल। पाइल्स क्या होते हैं? एनस के पास बहुत सारी वेंस होती हैं, तो वो वेंस में क्या ब्लड का क्लोट होना पाइल्स होता है। ब्लड एक से क्लोटिंग हो जाती है, उसको पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स होता है और सेकंड होता है एक्सटर्नल पाइल्स। जो कि एनस से बाहर निकलता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। जो वेंस है फूल जाती है, ब्लड का उसमें क्लोटिंग होता है और बाहर की साइड निकलने लग जाती है, उसको अपन एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और इंटरनल पाइल्स है वो एनस के अंदर, ऐसे लगता है कि एनएस के अंदर कुछ अटक रहा है या फिर महसूस होता है पेशेंट को, तो स्टूल पास करने में पेशेंट को परेशानी होती है और दर्द होता है, तो वो होता है इंटरनल पाइल्स। अब बात करेंगे पाइल्स के लक्षण की। तो पाइल्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है हार्ड स्टूल आता है। हार्ड स्टूल लगातार पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, उसको हार्ड स्टूल आता है तो धीरे धीरे वो पाइल्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। सेकंड होता है पेशेंट को हार्ड स्टूल के साथ ब्लड भी आता है, तो वो ब्लडी मतलब पाइल्स हो गया, उसको ब्लडी पाइल्स बोलते हैं। और एक होता है बहुत पेनफुल पाइल्स होता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड नहीं आता लेकिन पेन बहुत होता है एनएस के वहाँ पे, मतलब पेनफुल पाइल्स बोलते हैं उसको अपन। पाइल्स किन किन कारणों की वजह से हो सकता है? पाइल्स का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है पानी का इंटेक कम करना, यानी दिन में 3-4 लीटर नॉर्मल पर्सन को पानी पीना चाहिए। सेकंड जो कारण है पाइल्स का वो है कॉन्स्टिपेशन। बहुत लंबे टाइम से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है और उसका ध्यान नहीं देने से, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराने से पाइल्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है। थर्ड जो कारण होता है वो लॉन्ग सीटिंग की वजह से होता है। बहुत टाइम, लंबे टाइम तक पेशेंट बैठा रहता है, जैसे कोई ड्राइवर हो गए हैं या फिर आजकल स्टडी करने वाले बच्चे हो गए हैं, कोई ऑफिशियल जॉब हो गया है, तो बहुत लंबे टाइम तक सीटिंग होती है, उसके कारण क्या प्रेशर पड़ता है और उससे पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ जो कारण होता है वो होता है फाइबर का इंटेक कम करना, यानी कोई नॉर्मल पर्सन को फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और जिससे क्या है कॉन्स्टिपेशन नहीं हो और मतलब पाइल्स होने के चांसेस कम रहे। लास्ट जो कारण है वो स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि घरेलू तरीके से भी पाइल्स ना हो इसके लिए क्या अपन इलाज कर सकते हैं, घरेलू घर में भी अपन क्या क्या इसके इलाज देख सकते हैं। तो एक तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फाइबर इंटेक ज़्यादा करने चाहिए और लॉन्ग सीटिंग, ज़्यादा लंबे समय से बैठना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बैठ लिया फिर वॉक कर ली, एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जो कि स्ट्रेस लेवल कम करता है और पाइल्स होने से रोकता है। होम्योपैथिक में पाइल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिससे क्या आप पाइल्स क्या परमानेंट क्योर हो जाएगा। एक तो एलोपैथिक मेडिसिन से क्या परमानेंट क्योर नहीं होता, बार बार पाइल्स होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वेंस बहुत सारी होती हैं, एक का ऑपरेशन हो जाएगा दूसरी फूल जाती है, दूसरी का तीसरी फूल जाती है। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पाइल्स की जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। होम्योपैथिक में पाइल्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो होम्योपैथिक के डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि पूरे सिम्टम की बेस पे मेडिसिन दी जाती है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या फिर पेशेंट को हार्ड स्टूल आ रहा है या फिर पेशेंट को ब्लीडी पाइल्स हो रखे हैं, तो इनकी सबकी अलग अलग डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती हैं होम्योपैथिक में, और होम्योपैथिक में जड़ से पाइल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहें तो सबसे पहले तो अगर आपको हार्ड स्टूल है और पाइल्स है, आपको फील हो रहे हैं, पेन फील हो रहे हैं, तो एस्कुलस मदर टिंचर आती है उसको आप मेडिसिन को लें। सेकंड जो मेडिसिन होती है कॉमन, उसमें ये होती है कि अगर आपको ब्लीडी पाइल्स है तो हेमामेलिस क्यों करके मेडिसिन आती है उसको आप लें। बाकी आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लें। तो आज हमने जाना है पाइल्स के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू।